अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा कुचलने का सपना चूर चूर हो गया। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद जनसंहार, लोगों पर गोलीबारी और त्योहार को खूनी होली में बदल देने की खबर आसपास के गांव तक पहुंच गई और एक 12 साल के लड़के ने ही ये खबर सुनी। आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। वो लड़का जिसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार को पहले ही चुनौती दे रहा था। इस बालक के राष्ट्रवाद और निश्चय उसको जलियांवाला बाग तक खींच लाए, और जो कुछ उसने देखा उसने उसका क्रांतिकारी भविष्य तय कर दिया। इसके साथ ही एक ऐसा क्रांतिकारी इस जनसंहार से पैदा हुआ जिससे अंग्रेज खौफ खाते रहे। किसे पता था कि ये लड़का एक दिन न केवल भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की अगुवाई करेगा, बल्कि उसकी शहादत के बाद भी उसका नाम हर भारतीय की जबान पर होगा। भगत सिंह ने शुरू में गणेश शंकर विद्यार्थी के संग काम किया, पर जल्द ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सिपाही बन गए। उनके वीरता भरे कारनामों में से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त के साथ धुएं के बम फेंकना प्रमुख है। वो वहां से भाग नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम नहीं फेंक सकते थे, पर उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं है, और वो सही थे कि इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। इंकलाब जिंदाबाद के नामों से लाहौर जेल गूंज उठी, और पूरा देश खासतौर पर नौजवान उनके साथ आ खड़े हुए। इन नौजवानों पर राजद्रोह के विभिन्न मुकदमों सहित लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा भी चला। 23 मार्च 1931 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग में गोलियों की आवाज और लोगों की तराहों से निकला था, और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के फॉक्सटन हॉल में माइकल ओ'ब्रायन को गोली मारकर इस जनसंहार का बदला ले लिया।